पैसेनॉमिक्स में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों आज का, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की जब बात आती है तो हम यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने स्टॉक मार्केट में या कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसका मतलब ये जो शेयर होल्डर्स है वो शेयर होल्डर्स का जो पैसा कंपनी मार्केट में या उनके बिजनेस में जो लगा रही है उनके सामने जो है उनको इनकम कितना हो रहा है, मतलब नेट इनकम। तो ये जो नेट इनकम है इसको डिवाइडेड किया जाता है उनके जो है शेयर के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जितने शेयर्स होते हैं उसे डिवाइड किया जाता है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसका आपको रेशो मिलता है। तो अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला ऐसा है कि नेट इनकम है कंपनी का और डिवाइडेड बाय ये आएगा आपका एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। ओके, तो कंपनी जो है शेयर होल्डर के पास से जो पैसा ले रही है उसके सामने कितना रिटर्न दे रही है, इसका सिंपल एक कैलकुलेशन है दोस्तों और ये आपको फंडामेंटल स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए काम में आता है। ओके, तो यहाँ से जो आपको कंक्लूजन लेना है वो यही है कि अगर मैं कोई स्टॉक फंडामेंटली देख रहा हूँ तो मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर ज़्यादा करके फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी में जो इनकम होती है तो पूरे जो फाइनेंशियल ईयर में, जैसे अभी फाइनेंशियल 21 ख़त्म होगा मार्च में, तो ये पूरे साल में जो नेट इनकम कंपनी ने लिया हुआ है उसको जो कंपनी की एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी है उससे डिवाइड किया जाता है और ये रेशियो निकाला जाता है। तो ये रेशो जो है अगर आप स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो स्टॉक सिलेक्ट करते समय ये बेस्ट रेशो जो है। ओके, अगर आपको रिटर्न इक्विटी से कोई स्टॉक सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे बेस्ट रेशो जो होता है ये 15% to 18% का बेस्ट रेशो यहाँ पे कंसिडर किया जाता है इंडस्ट्री में, और अगर 10% के नीचे अगर रेशो है तो वो पुअर कैलकुलेट वहाँ पे होता है। मतलब कोई भी कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये 10% से नीचे अगर दे रही है तो उसको पुअर परफॉर्मेंस कहते हैं, और जो 15% to 18% के ऊपर रिटर्न देती है उसे बेस्ट परफॉर्मर कहते हैं। तो इस अकॉर्डिंगली आपको जो है स्टॉक सिलेक्ट करने ज़रूरी है तो ही आपको वहाँ पे अच्छा मुनाफा होगा। तो यहाँ पे हमने यही देखा कि जो कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो वो कंपनी आपको सामने कितना रिटर्न दे रही है। तो एग्जांपल अगर देखा जाए कि सपोज कोई एबीसी कंपनी है जिसमें अगर मैंने 1000 रुपये का एक शेयर लिया हुआ है, ओके, और जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 20%, मतलब क्या मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है उस 1000 रुपये इन्वेस्ट करके उसके सामने जो है 200 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे मुनाफा हो रहा है, तो ये मेरे लिए विन विन सिचुएशन है और मेरे लिए सबसे बेहतरीन जो है ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मैं इस कंपनी में निवेश कर सकता हूँ। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी को आपको कैसे रीड करना है तो थोड़ा इसमें आपको मैं सिंपल एक लॉजिक बता देता हूँ जो आपको यूज़ करना है। रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते समय जो पीयर्स होते हैं, मतलब जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ओके, जैसे बैंकिंग में एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ठीक है, या फिर ऑयल कंपनीज में नंबर्स ऑफ ऑयल कंपनीज जैसे रिलायंस है, BPCL, HPCL है, तो ये स्टॉक के जो आप रिटर्न ऑन इक्विटी निकालोगे इसकी एवरेज निकालना चाहिए आपने। ओके, तो जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्री एवरेज कहते हैं। तो इंडस्ट्री एवरेज अगर आपको निकाला तो ये इंडस्ट्री एवरेज के ऊपर अगर कोई स्टॉक का जो ROE चल रहा है तो ये सबसे बेस्ट परफॉर्मर स्टॉक आपको मिल सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। तो जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे स्टॉक का नाम मेंशन करूँगा और सामने इनके रिटर्न ऑन इक्विटी आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं स्टॉक के नाम आपको बताता हूँ और उनके ROE के साथ रिलायंस है, उसके साथ नीचे BPCL, उसके बाद IOCL है, उसके बाद है HPCL, उसके बाद MRPL, उसके बाद है CPCL। तो ये अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटल और जो है उसके अकॉर्डिंगली ये मैंने सॉर्ट आउट किया हुआ है। तो रिलायंस का अगर अभी रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 10.19% है दोस्तों, BPCL का है 10.47% है,
उसके बाद IOCL का जो है 4.16% है, ओके, HPCL का जो है वो है 11.14% है, MRPL का -40% में चल रहा है दोस्तों, ओके, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ इसकी है। CPCL की जो है -69% है, 129, ठीक है। तो अगर इसकी हम एवरेज निकालें यहाँ पे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे परफॉर्मर स्टॉक मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एवरेज निकालूँ इसकी, तो बहुत ही सुनने में आपको ये होगा कि -12.38% की इनकी ग्रोथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अगर पैसा डालता हूँ ऑयल एंड गैस कंपनीज में तो मुझे यहाँ पे कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, उल्टा निगेटिव रिटर्न मेरा ये चल रहा है दोस्तों। तो इसीलिए अगर यहाँ पे जो टॉप स्टॉक है जैसे कि रिलायंस है, BPCL है, IOCL है, HPCL है, ये मेरे स्टॉक एक सिलेक्टिव स्टॉक होंगे जिसमें मैं पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकूंगा, क्योंकि ये अबो तो इंडस्ट्री एवरेज चल रहा है ऑयल एंड गैस कंपनी के हिसाब से। तो इस तरीके से ये आपको थोड़ा अगर आप यूज करते हो तो स्टॉक सिलेक्शन करते समय आपको एक अच्छा सा यहाँ पे बेनिफिट होगा, ओके। तो ये यहाँ पे जैसे अभी हमने एवरेज निकाला है, इस तरीके से भी आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो अगर जैसे भी जो ग्रोथ जिस कंपनी में दिख रही है, जैसे फिलहाल में आपने देखा होगा जो जैसे IT कंपनीज और फार्मा कंपनीज अभी परफॉर्म कर रही है, मैं फार्मा कंपनीज का कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ। तो फार्मा कंपनी में जो सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों वो है सन फार्मा, जिसका मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा है। उसके बाद आता है डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी अभी सेकेंड रैंक पे है दोस्तों। उसके बाद आता है सिप्ला, उसके बाद यहाँ पे फिर आएगा ओरो फार्मा, उसके बाद आएगा बायोकॉन, उसके बाद आएगा कैडिला, और आएगा साथ में पिरामल एंटरप्राइजेस PEL। तो यहाँ पे सन फार्मा का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी ये है अभी चल रहा है 9.06%, ओके, डॉक्टर रेड्डी का है 13.64%, ये परसेंटेज में है रिटर्न ऑन इक्विटी। सिप्ला का है 9.46, ऑरो फार्मा का है 18.57%, बायोकॉन का है 10.91, और यहाँ पे जो कैडिला है उसका है 13.79, और जो पिरामिड एंटरप्राइजेस है वो अभी तक अंडर परफॉर्म है, मतलब उसने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दिया हुआ है। तो सेम वही आप कर सकते हो जैसे मैंने पहले जो इसमें एवरेज किया हुआ है, वैसे इसकी भी हम एवरेज कर सकते हैं। जो ये स्टॉक जो इंडस्ट्री के स्टॉक है इनका रिटर्न ऑन इक्विटी का अगर एवरेज देखा जाए तो ये आता है 10.79%, ओके, तो ये एवरेज आती है 10.79% की पॉजिटिव ये एवरेज आती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कैडिला, ऑरो फार्मा और डॉक्टर रेड्डी ये बहुत ही अच्छे स्टॉक्स है जिसमें आप निवेश कर सकते हो, क्योंकि इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है। मतलब मैं डॉक्टर रेड्डी में 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 13 रुपये प्रॉफिट है, अगर मैं ऑरो फार्मा में 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 18 रुपये प्रॉफिट है, अगर मैं यहाँ पे कैडिला में इन्वेस्ट करता हूँ 100 रुपये तो यहाँ पे मुझे 13 रुपये प्रॉफिट है। तो जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वहीं पे हम इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये यूज़ करना है इन्वेस्टमेंट करते समय जब आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। इसके अलावा भी आप जो निफ्टी के जो एवरेज रिटर्न आते हैं हमारे इंडेक्स के, उसके अकॉर्डिंगली उसके एवरेज के ऊपर अगर ये रेट चल रहे हैं, ये पूरे रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आपको मिल रहा है तो भी आपके लिए अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल, तो करंट इसमें अगर हम निफ्टी का एवरेज रिटर्न जो है दोस्तों अगर 14% यहाँ से पकड़ते हैं तो इसके ऊपर जो भी स्टॉक का ROE आपको दिखेगा वो सबसे बेस्ट आपके लिए होगा। लेकिन अगर इसके नीचे या फिर 10% के नीचे अगर आपको कोई स्टॉक का ROE दिखता है तो उसकी ग्रोथ जो है पूरी पुअर होती है। मतलब आप इंडेक्स में अगर डाल रहे हो तो आपको 100 रुपये के सामने 14 रुपीज यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, लेकिन जो स्टॉक में आप डाल रहे हो उसमें आपको 100 रुपये के सामने जस्ट 10 रुपया ही यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका जो है जो नेट इनकम अगर निगेटिव जा रहा है, कंपनी अगर लॉस में जा रही है यहाँ पे, ओके, तो निगेटिव जो नेट इनकम है इसके ऊपर जो है, ठीक है, इसके ऊपर कोई रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट नहीं की जाती है, तो इतना ध्यान में रखना है। तो हमेशा नेट इनकम ये जब आपका प्रॉफिट में ही होगा तो ही इसका कैलकुलेशन वहाँ पे होगा, ओके, अगर ये निगेटिव जाता है तो वहाँ पे ROE जो है कोई कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं की जाती है दोस्तों। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए जो डेटा जैसे हमने बताया कि नेट यहाँ पे इनकम
और उसके बाद जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स का इक्विटी होल्डिंग कितना है उनके पास, तो ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट में मिलेगी दोस्तों। ओके, तो शेयर होल्डिंग जो है वो भी वहाँ पे आपको बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलके आप वहाँ से डेटा ले सकते हो। ओके, और कैसा होता है कि जब आप डेटा ले रहे हो तो वहाँ पे आपको बैलेंस शीट भी अच्छे से रीड करते आना चाहिए, तब जाके अच्छे से आपको वहाँ पे जो है एक्यूरेसी वो और वो रेशियोज आपको ठीक से वहाँ पे मिलेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि कंपनी जो है दोस्तों ये प्रॉफिट जो है थोड़ा इनकंसिस्टेंसी इसमें होती है। ओके, तो इसकी वजह से भी आरओई निगेटिव जाने के चांसेस होते हैं, कंपनी की एक्सेस जो होती है ये डेप्ट बढ़ जाती है, मतलब लोन बढ़ जाता है उसमें, तो इसकी वजह से भी उनका जो आरओई है निगेटिव जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप कोई आईपीओ के लिए भी जा रहे हो तो रिटर्न ऑन इक्विटी वहाँ पे देखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इनकम भी बताया जाता है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको इसलिए ही देखना है कि कंपनी में पोटेंशियल कितना है। ओके दोस्तों, तो इतना आपको ये वीडियो से ये कंक्लूजन लेना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, काफ़ी सारे जो मनी कंट्रोल अगर आप देखते हो तो मनी कंट्रोल पे भी आपको ये दिखेगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल में टाटा मोटर्स को ऐड किया हुआ है, और जैसे हम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो ऑप्शंस में यहाँ पे देखेंगे, देखिए शेयर होल्डिंग फाइनेंशियल्स है, यहाँ पे पीएस ऑप्शन दिया हुआ है, इस पीएस में अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो जो आरओई है रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे देखेंगे आप, टाटा मोटर, आयशर मोटर, इन सब के आरओई यहाँ पे दिए गए हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, और इनके परफॉर्मेंस भी दिए गए हैं। -19 में टाटा मोटर ये चल रहा है, आयशर मोटर 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, ठीक है, तो यहाँ पे -19 में अपना यहाँ पे TMLD भी चल रहा है, तो काफ़ी सारे जो स्टॉक्स है इसमें दिए गए हैं, लेकिन ये मोस्ट टॉप स्टॉक है जो इसके पीएस में टाटा मोटर के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है मार्केट कैपिटल के हिसाब से इसका रैंकिंग दिया है, जिसका मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा है वो ऊपर है, जैसे आप देख रहे हो 1,00,000 करोड़ का जो है ये टाटा मोटर का मार्केट कैपिटल है, और आयशर मोटर का 60,000 करोड़ का है। तो इस तरीके से ये रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को मिलेगा, और आप यहाँ पे बट ऑब्वियस देखोगे कि टाटा मोटर यहाँ पे भी आपको कहीं पे भी बाय नहीं दिख रहा है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे निगेटिव है, क्योंकि वहीं पे आयशर मोटर ये ज़्यादा एट्रेक्टिव लगता है, क्योंकि 18% का ये रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, रिटर्न ऑन इक्विटी जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये नेट प्रॉफिट माइनस में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट ये यहाँ पे प्लस में दिखा रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये आपका रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे इफेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों कंसिडर करना है, और फंडामेंटली जब आप स्टॉक सिलेक्ट करोगे, आप नए आईपीओ के लिए भी देखोगे तो उस समय आपको रिटर्न ऑन इक्विटी उनके बैलेंस शीट में कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, तो ही जाके आप कंपनी में निवेश करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे।